नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। उत्तर प्रदेश के कानपुर के श्याम नगर में गार्गी महिला फाउंडेशन की तरफ से बड़ी धूमधाम के साथ आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया। इसमें भारी संख्या में महिला फाउंडेशन की महिलाएं उपस्थित रही। गार्गी महिला फाउंडेशन की महिलाओं ने बताया कि हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी महिला सशक्तिकरण को लेकर यह बात कही कि जो बच्चे गरीबी के कारण पढ़ने लिखने नहीं जा पाते, उनको महिला फाउंडेशन की तरफ से निशुल्क पढ़ाया जाता है। आज देश के 75वीं आजादी के वर्षगांठ मना रहे हैं, इस वजह से हमने इन गरीब बच्चों के लिए इस प्रकार का रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देखिए कानपुर से ब्यूरो प्रमुख रेहान खान की खास रिपोर्ट। मैम, आपका नाम क्या है? मैम, ये बताइए, आप जो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आपने ये प्रोग्राम रखा है, किस विषय में? आज हमारे यहाँ हमारे यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंच से लाल किले से ये बात कही है कि हम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देंगे। और हमारा मेन जो टारगेट था वो ये था कि बस्ती की पाठशाला जो श्याम नगर सब्जी मंडी बस्ती में स्टार्ट हुई है, उसमें वो बच्चे जो किसी अभाव के कारण लड़कियां स्पेशली नहीं पढ़ने जा पाती हैं, तो हम लोग उनकी क्लास लेते हैं, उनको पढ़ाने जाते हैं। और उसके उपरांत वहीं पे हमारे सभी गार्गी फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बच्चों की तैयारी करवाई थी, उसी की परफॉर्मेंस आज यहाँ हुई बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए। और चूँकि आज देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, तो इस उपलक्ष्य में भी हम लोगों ने ये तय किया था कि हम लोग एक कार्यक्रम। जैसा कि आपके प्रोग्राम को देखकर पता चला कि आपने गरीब बच्चों के लिए जैसे लंच बॉक्स वगैरह आपने दे रखे हैं, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे साथ हमारे पदाधिकारी जितने भी हैं, हमारे 20 पदाधिकारी हैं और हमारी संरक्षक भी है, इसमें हमारी अध्यक्षा भी हैं, मिथिलेश जी हैं और सारिका वैश्य जी हमारी संरक्षक हैं। तो आप सबका मार्गदर्शन जो कि हमेशा मिलता रहता है और आप सबका सहयोग रहता है, और हमारे सभी पदाधिकारी जिनका मैं हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ यहाँ खड़े, इन सब के सहयोग से ये होता है कि हम अपने बच्चों की सेवा, हम ज़्यादा की बात नहीं करते, हम 10 की बात नहीं करते, हम 1 की बात करते हैं। कि हम अगर 1 को पढ़ा ले गए या 1 की हम सेवा कर ले गए, तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी। जी मैम, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे गरीब बच्चों के लिए?